हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेंस T10 लीग 2022 के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि गयाना अमेजॉन वॉरियर वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स के बीच है। और इस मैच को आप 25 अगस्त शाम के 7:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स, फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। और यह मैच बेसेटेरे सेंट किट्स के वार्नर पार्क में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैलेंस्ड है। फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर 100 प्लस देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो 61% चांसेस है बारिश होने की। वहीं टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है और ह्यूमिडिटी 82% रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर गयाना अमेजॉन वॉरियर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पिछले CPL में 2021 में ये टीम सेकंड पोजीशन पे थी 12 पॉइंट्स के साथ। 10 मैचेस खेली थी, 6 मैचेस में जीत हुई थी और 4 मैचेस में इसकी हार हुई थी। वहीं सेंट लूसिया किंग्स पिछले CPL में 4th पोजीशन पे थी 10 पॉइंट्स के साथ। 10 मैचेस खेली थी, 5 मैचेस में जीत हुई थी और 5 मैचेस में इसकी हार हुई थी। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे गयाना अमेजॉन वॉरियर वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स के इस फर्स्ट T10 मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार गयाना अमेजॉन वॉरियर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस फर्स्ट T10 मैच को लेकर? आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।